अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच दोनों ने पंजशीर को जीतने का दावा किया है। तालिबान का कहना है कि अब पंजशीर पर भी उसका नियंत्रण हो गया है। वहीं पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान ने काबुल में हवाई फायरिंग की है। इसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को हरी झंडी दे दी है। यहां 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा बंगाल के शमशेरगंज, जंगीपुर और ओडिशा की पिपली सीट पर भी वोटिंग होगी। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें संदेह है कि कांग्रेस द्वारा सरकार का विरोध करने की उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो पाकिस्तान द्वारा दिखाया गया रास्ता है। पालघर के तारापुर में MIDC में स्थित एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री जखरिया लिमिटेड कंपनी में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 4 घायल हुए हैं। धमाके के बाद लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सितंबर से 11वीं कक्षा की परीक्षा फिजिकल तौर पर कराने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के प्रयास के बाद मुंबई देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कोविन पोर्टल पर अपलोड किए आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तक यहां 1,63,497 लोगों का कोरोना का टीका लगा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,624 नए मरीजों की पहचान हुई। 34,665 ठीक हुए और 355 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 10,597 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के वैश्विक मामले बढ़कर 21,97,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 45,05,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 5 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में शनिवार की सुबह भारतीय पैराशूटर्स ने कमाल कर दिया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। दोनों ने P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SS1 फाइनल में मेडल जीते।